नमस्ते, मैं डॉक्टर भावना यूपीएस मोहनपुर मित्री चैनपुर बरेली। प्रधानमंत्री जी की योजना जो पोस्ट कार्ड संबंधित हम लोगों को आई है विभाग की तरफ से, तो मुझे आज बहुत अच्छा सौभाग्य है कि मैं अपने यहाँ पर पोस्ट मास्टर जी के साथ पर हूँ। मैं पहले उनसे उनका परिचय खुद ही देती हूँ। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है पीके सिंह जी, मैं यहाँ वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर। तो सर, हमारे वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर हैं पीके सिंह जी, श्री पीके सिंह जी। तो ये मैं पोस्ट कार्ड लेकर आई हूँ सर के पास कि मैं अपने बच्चों के यहाँ पर मैं ये सबमिट कर पाऊँ। तो पहले इसके साथ सबमिशन के साथ मैं चाहती हूँ कि सर के साथ कुछ और नॉलेज भी ले ली जाए। तो सर मेरे को नहीं, अभी सर मैं बैठती हूँ। पहले सर बहुत हमको इस समय अच्छा समय दे पाए मैं सर से, क्योंकि सर के यहाँ पे बहुत अच्छा नक्शा लगा हुआ है और मैं सर अभी बता रहे थे इसके बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि सर यहाँ पर आकर बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट जानकारी सर ने हमको दी है। मैं चाहती हूँ कि सर और थोड़ा सा हम तफसील से देखिए। मुझे इसमें अपना एक मिनट सर, मुझे अपना बिथरी चैनपुर तो इसमें दिख गया है, बाकी सर मुझको आप बताएंगे। बता रहे थे बहुत अच्छा। देखिए, जैसे बरेली जो हमारा पोस्टल डिवीजन है, बरेली पोस्टल डिवीजन में दो जनपद आते हैं, बरेली और पीलीभीत। तो बरेली में हमारा ब्लॉक वाइज आपको बता दें, ऊपर देखिए बहेली है जी, इसके बगल में शेरगढ़ है जी, फिर इधर मीरगंज है जी, और मीरगंज के बाद इधर रामनगर है जी, आंवला जी, मझगवा ब्लॉक है जी, फतेहगंज ब्लॉक है जी, भोजीपुरा जी, रिछा जी, नवाबगंज, बिथरी चैनपुर जी, क्यारा जी, फरीदपुर भूता जी, ये जो, और इधर भतपुरा है, ये जो एरिया है ये बरेली का है। इसके बाद इधर अमरिया उत्तराखंड का बॉर्डर है। अच्छा। और इसके बाद ये है आपका मरोरी जी, मरोरी है, ललौरी खेड़ा भी है उसमें जी जी, ललौरी खेड़ा ब्लॉक है जी जी। फिर इधर आप देखिए ये पूरनपुर जी ब्लॉक भी है, तहसील भी है। अच्छा जी। और बरखेड़ा ब्लॉक है जी, बीसनपुर, बिलसंडा जी, बिलसंडा में एकदम शाहजहांपुर का बॉर्डर। अच्छा अच्छा जी जी, काफी बड़ा मतलब सबसे। अब ये देखिए, जैसे बीसनपुर का जो एरिया, पूरनपुर का जो एरिया है जी, आप ये देखें तो इसमें हमारा जो है नदी शारदा नदी है। अच्छा। शारदा नदी के बॉर्डर तक है गभिया सराय, ये सब जो हमारे पोस्टल काफी बड़ा है जी। बस सारा नहीं जी, जी तो आपको उधर व्यापार मिलेगा। अच्छा, देखिए हमारा आज हम अगर यहाँ नहीं आते तो हमको इतनी बड़ी सूचना नहीं मिल पाती। सर से मिलके हमारा ज्ञान बढ़ रहा है बहुत ज्यादा जी। तो वो एरिया जो हमारा है, नौजलिया नकटिया है, गरिया सराय है, ये सब जो है एकदम शारदा नदी से सटे हुए हैं। अभी सब गाँव में पानी घुस गया था, जब भी बाढ़ आई थी जी जी जी, उसमें सब में पानी घुस गया था। तब उसका हफ्ता दस दिन लोगों की डांट बाधित रही, क्योंकि जाने कोई रास्ता ही नहीं था, सब मर गया था। तो पूरनपुर तहसील, जैसा कि बताया जाता है, हमारे समझ से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी तहसील है। और अभी हाल में जैसे कि हमारे कुछ 94 गांव थे, 94 गांव हमारे पीलीभीत जनपद के थे जो कि शाहजहांपुर से सर्व होते थे। अच्छा। तो वहाँ सांसद जो प्रियंका गांधी मैडम थी, तो उनके समय में ये 94 विलेजेस जो है हमारे वापस आ गए। वापस आए। जोगराज में हमारा लास्ट स्टेशन है। अच्छा जी। और यहाँ से जोगराज में पड़ेगा करीब आपका 60 किलोमीटर पीलीभीत जी जी, 40 पूरनपुर और 40 जोगराज। अच्छा। 140 किलोमीटर लास्ट हमारा पोस्ट ऑफिस यहाँ से 140 किलोमीटर पर। मतलब काफी लंबे क्षेत्र को सर सर्व करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हम ही लोग दूर जाते हैं, लेकिन सर लोगों का भी काफी विस्तृत क्षेत्र है। और दिखाई सर के यहाँ भी आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो बराबर चल रहा है, आप हम देख सकते हैं सर ने अपने यहाँ पर, क्योंकि इसी के अंतर्गत हमारी पोस्ट कार्ड योजना आई है। अब मैं सर को जो है अपने पोस्ट कार्ड सौंपूंगी, जो हमारे 10 अच्छे जो शुरू के हैं वो सर ने कहा है कि हम उसको, ये हमने अलग से जिनको लोड किया था वो हम सर को हैंडओवर करने जा रहे हैं। सर के यहाँ पे बहुत अच्छा फिलेटेली विभाग है नीचे, जिसके अभी हम जाकर वीडियो बनाएंगे नीचे भी। और ये हमारे 10 बेस्ट पोस्ट कार्ड हमने सर को सौंप दिए, अपना दायित्व पूरा किया है।
और ये हमारे बाकी के पोस्ट कार्ड है, सबने पढ़ा, सब पोस्ट कार्डों को बहुत अच्छी तरीके से, बच्चों की समस्याएं थी उसमें सर ने देखी और सर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए कि हम इस मुहिम से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। और सर ने हमें हमारे बच्चों को, कुछ बच्चों को यहाँ पर विजिट कराने के लिए सर ने हमको इजाज़त दे दी है। और बल्कि सर आप ये भी बताइए कि आप विद्यालय आके भी हमारे साथ जरूर आएंगे, हम आपका नंबर ले लेते हैं जी सर, हम आपको खुद बताएंगे कि मैं थोड़ा दिन आना चाहता हूँ। देखिए सर हमारे लिए कितना वो कि हमारे विद्यालय सर आएंगे इतने वरिष्ठ होते हुए भी, और विद्यालय आकर हमारे बच्चों को जो है अपना पोस्ट ऑफिस के बारे में ज्ञान देंगे, जिसका कि हम सर के लिए हार्दिक दिल से जो है आभारी हैं। तो सर ये हमको ये पोस्ट कार्ड मुझे कहाँ पर हम रखवा देंगे? अच्छा आप रखवा देंगे, ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, मिलकर आपसे बहुत खुशी हुई, थैंक यू सर, धन्यवाद।